बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी फॉर अवर स्टोरी लवर्स। अपनी पहचान कैसे बनाएं? एक प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और राजनयिक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो बेहद ही हंसमुख स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। उनकी पत्रकारिता देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने वैसे जगह पर भी पत्रकारिता की है जहां अन्य पत्रकारों के लिए संभव नहीं है। उनकी हंसमुख प्रवृत्ति और हाजिर जवाब का कोई सानी नहीं है। एक समय की बात है, पुष्पेंद्र सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में जनसैलाब उमड़ा था। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आए थे। जब वह अपना भाषण समाप्त कर बाहर निकले, तब उनकी ओर एक भीड़ ऑटोग्राफ के लिए बढ़ी। पुष्पेंद्र उनसे बात करते हुए ऑटोग्राफ दे रहे थे। तभी एक नौजवान उस भीड़ से पुष्पेंद्र के सामने आया। उस नौजवान ने उनसे कहा, मैं आपका बहुत बड़ा श्रोता और प्रशंसक हूँ। मैं साहित्य प्रेमी हूँ, जिसके कारण मुझे आपकी लेखनी बेहद रुचिकर लगती है। इस कारण आप मेरे सबसे प्रिय लेखक भी हैं। मैंने आपकी सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। ऐसा कहते हुए उस नौजवान ने अपनी पुस्तिका ऑटोग्राफ के लिए पुष्पेंद्र की ओर बढ़ाई। पुष्पेंद्र ने उस समय कुछ नहीं कहा और उसकी पुस्तिका में कुछ शब्द लिखे और ऑटोग्राफ देकर उस नौजवान को पुस्तिका वापस कर दी। उस पुस्तिका में यह लिखा हुआ था, आप अपना समय स्वयं को पहचान दिलाने के लिए लगाए, किसी दूसरे के ऑटोग्राफ से आपकी पहचान नहीं बनेगी। जो समय आप दूसरे लोगों के लिए देते हैं, वह समय आप स्वयं के लिए दे। नौजवान इस जवाब को पढ़कर बेहद प्रसन्न हुआ और उसने पुष्पेंद्र को धन्यवाद कहा और कहा कि मैं आपका यह वचन जीवन भर याद रखूंगा और अपनी एक अलग पहचान बनाकर दिखाऊंगा। पुष्पेंद्र ने उस नौजवान को धन्यवाद दिया और सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, दूसरों का अनुसरण करने के बजाय अपना खुद का विशिष्ट व्यक्तित्व और पहचान बनाएं। फॉलो करने वाले को हमेशा टॉपर के साये में ही रहना होगा। जीवन में सबसे बड़ी चीज है सम्मान और विशिष्टता, जिसके लिए लोग आपको याद करते हैं। सो स्टॉप फॉलोइंग, स्टार्ट क्रिएटिंग फॉलोअर्स। थैंक यू। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।